बिस्मिल्लाह रहमान रहीम डिफेंस थाने में मौजूद हैं। कराची वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, सीपीके ने एक बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया है। मुराद सोनी साहब खड़े हैं, अना सलूजा साहब खड़े हैं, ये सब कराची के वो सेठ हैं जो कराची के लिए अपनी खिदमत सर्व कर रहे हैं। अब सीपीके ने क्या किया कि देखें, कराची में गाड़ियां चोरी हो रही है, मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, आप घर के नीचे गाड़ी खड़ी करके गए, थोड़ी देर बाद आए गाड़ी गायब, अब आप गाड़ी ढूंढते फिर रहे हैं, उसके लिए क्या कमाल काम कर दिया इन्होंने और क्या होने जा रहा है इस वक्त। कितने थानों को आपने मुकम्मल सीसीटीवी कर दिया है? ये हमारा आठवां थाना है। अब मैं बता दूं एक जुमला, ये आप याद रखिएगा, आठवें थाने से मुराद ये है कि अगर इन्होंने नॉर्थ आजमाबाद थाने को सीसीटीवी किया है नई कराची, तो उस इलाके में जितने भी मोड़ हैं, गलियां हैं, पार्क हैं, मैदान है, बाजार, सबके ऊपर कैमरे लगे हुए, चोरों को नहीं मालूम है। अब कमाल क्या हुआ इस बार, क्या काम हुआ, कमाल बताया सर मुराद भाई। देखिए अभी नहीं, जो हमें बेसिकली हम मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हमने अभी ये किया है कि एनवीआर कैमरा जो इंट्रोड्यूस हमने करवाया है हम सीपीके ने। अब देखिए ये जो नंबर प्लेट जा रही है, कौन सी जगह है ये इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद सही है। अब ये देखिए, ये जो जितनी गाड़ियां गुजर रही है ना, सबकी नंबर प्लेट आ रही है। अच्छा, जो भी गुज रही है, जो भी गुजर रही है, सबको नंबर प्लेट आ रही होगी। अच्छा, कैसे अभी कैसे स्क्रीन पे कैसे शो होंगी, एक साथ नंबर प्लेट बताना। अच्छा, ये मतलब अभी यहाँ से जो गाड़ियां गुजरी है उन सबकी नंबर प्लेटें आ गई है। 1000 गाड़ियां जो है ना, उसका डेटाबेस हमारे पास है, ठीक है। लेकिन अब जो है ना, अब जो हम नई चीज करने जा रहे हैं, इसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं एवीएससी के साथ, सही है। इसके बाद जो भी गाड़ी चोरी की इस रोड पे से गुजरेगी ना, इस कैमरे में आएगी, तो विद इन 10 सेकंड बता देगी गाड़ी चोरी की, ठीक है। यानी कि हमारे घर के बाहर से गाड़ी चोरी हुई, हमने फौरन कंप्लेन की 15 पे, जी 15 सिस्टम पे आ गई, वो सिस्टम पे आई गाड़ी, जिस चौरंगी से गुजरेगी नंबर प्लेट आपके पास आती चली जाएगी, ऐसे ही, और वो एवीएलसी की नॉलेज में होगा और उनको पकड़ लिया जाएगा, उसी को कर दिया, तो थाने भी इन्वॉल्व है ना, पूरा थाने इन्वॉल्व होगा, एवीएलसी इन्वॉल्व होगी। देखें ये इस वक्त किसी नेमत से कम नहीं है, साइकिल भी हो, कार हो, ट्रक हो, जो भी चोरी में होगा व्हीकल वो सिस्टम पे आएगा। और अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात है, याद रखें जिन जिन इलाकों में इनके कैमरे लग गए हैं ना, थाने बता दें पहले एक बार आप। देखिए हमारा सबसे पहले नॉर्थ आबाद में, जो हमारे जफर भाई सबसे पहले आए थे, नॉर्थ आबाद है, अजीजाबाद है, नाजमाबाद है, मलिर सिटी है, सोल्जर बाजार है, हमारा नेपियर है, डीएचए है, ये सारे। अब ये जो इलाके हैं ना, इन इलाकों में आपका मोबाइल भी चोरी हुआ है, कोई भी चीज चोरी हुई है, तो आप कुछ नहीं करें, इनके सेंटर जाएं, टाइम बताएं, ये उस टाइम के हिसाब से उस बंदे की बार बार वीडियो निकालते रहेंगे, इस मोड़ पे मुड़ा, यहाँ मुड़ा, यहाँ मुड़ा, यहाँ मुड़ा, जहां उसने कहीं अपना हेलमेट उतारा होगा, उसकी कोई ऐसी पोजीशन जो रिकॉर्ड हो सकती है, जिससे शिनाख्त हो सकती है, वो किसके पास रुका, किस गली में गया, सब पकड़ में आ जाएगा। तो अब ये बहुत अच्छी नेमत है, सीपीके से रब्ता कर सकते हैं, आपका फोन नंबर क्या है? हमारा जो हर थाने में हमारा दफ्तर है, आप किसी भी दफ्तर में जा सकते हैं, जिस तरह जो मैंने नाम लिए, वैसे मेरा जाती नंबर 0345-399-0000 मेरा नंबर है, इस पर भी रब्ता कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाएगी। और ये लोग कराची के लिए जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। और मैं एक दफा फिर शुक्रिया अगर मैं एक मैसेज अगर मैं अगर आप दो मैसेज नहीं, एक मैसेज हमारे लिए था कि जिस तरह हम कैमरे लगा रहे हैं, इसी तरीके से इस शहर के अंदर शहर को ग्रीन करने जा रहे हैं, हम 1 मिलियन दरख्त लगाने जा रहे हैं इस शहर में, 3 साल में हमारे 1 मिलियन दरख्त लगेंगे, 5 फीट का कम से कम उस दरख्त की हाइट होगी, आपने 1 रुपया नहीं देना है, आपने सिर्फ देखभाल और पानी का बंदोबस्त साफ करें, आपके घर तक पहुंचाना हमारा काम है, चाहे 1 दरख्त हो चाहे 1000 दरख्त हो। बहुत शुक्रिया। दूसरा मैसेज जेडीसी को डोनेशन के वाले से भी देना जी, दे, भाई देखिए जेडीसी जिस तरीके से काम कर रहा है और जिस अंदाज से काम कर रहा है, यकीन करें कि हम तो जफर भाई से बहुत कुछ सीखते भी हैं, इसमें नो डाउट कि हम भी बचपन से काम कर रहे हैं, लेकिन जफर भाई के इदारे को जिस तरह का जफर भाई काम कर रहे हैं, मेरी आप तमाम लोगों से, देखने वालों से, सुनने वालों से, चाहने वालों से एक अपील है कि जितना हो सके जफर भाई को सपोर्ट करें, इनको डोनेशन जैसे शक्ल में, क्योंकि भाई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं ब्लड बैंक, आप इनका बोर्चरी देखें, ब्लड बैंक में तो इनके बहुत सारे इदारे विजिट कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त अगर इस शहर की खिदमत अगर कोई इदारा कर रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जेडीसी कर रहा है। सर आपकी मोहब्बत है, मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुराद सोनी साहब का, दानिश अमान साहब का, जिन्होंने अपने घर पे जेडीसी के लिए फंड रेज कॉन्फ्रेंस रखी थी, इनके पार्टनर हैं, इनके दोस्त हैं, और ये सब जो भी आप काम देख रहे हैं, देखें जो लोगों के घरों में कैमरे लगे हैं वो समझ सकते हैं, जो आम कैमरा होता है उसकी वीडियो में तो कुछ नजर ही नहीं आता, यहाँ तो गाड़ी की नंबर प्लेट, गाड़ी के टायर पे लगी हुई मट्टी, धूल तक नजर आ रही है, जो जगह जैसे नादरा का दफ्तर है, ये देखें ना, ये देखें गाड़ी खड़ी हुई है, जा रही है आगे, और मोटरसाइकिलें, गार्ड, पूरा नक्शा। सर यहाँ से दो मोटरसाइकिल चोरी होती थी डेली, इसको जरा जूम करना, ये देखिए दो मोटरसाइकिल चोरी होती थी, आगे बंद हो गए, क्यों पकड़े गए? बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, जो लोग शहर के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनकी इन चीजों को हाईलाइट होना चाहिए, और मैं तो समझता हूँ आप तो सदारती अवार्ड के भी हकदार हैं, जिस तरह अंजाम दे रहे हैं लोगों के लिए, लोगों की जाने बचाने के लिए, डकैत एक मोबाइल छीनने के बस गोली मार देते हैं और लोग मर जाते हैं, उसके बाद उनके घर में जो कयामत आती है, वो बेवा कहाँ जाएगी, उसके पेट में जो बच्चा है उसका वो कहाँ जाएगा, जो बच्चे गोद में वो कहाँ जाएंगे, कयामत है।